दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले दर्द, सूजन, बुखार में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप्स के बारे में। कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल दर्द, सूजन और बुखार से राहत दिलाने के लिए बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो सब सिरप मुख्यतः होते हैं आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाले। तो आज इन्हीं सिरप के बारे में बात करेंगे, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाले सिरप के बारे में। कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड है इस कॉम्बिनेशन में, तो आइए जानते हैं। पॉपुलर ब्रांड कुछ इस प्रकार से हैं, आइबुजेसिक प्लस सिरप, फ्लेक्सोन सिरप, आइमोल सिरप और कॉम्बिफ्लाम सिरप। ये जितने भी मैंने आपको सिरप बताए, ये सब आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आते हैं। और दोस्तों, ये सब जितने भी मैंने सिरप आपको बताए, ये सब आपको एकदम आसानी से आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको इस सिरप का इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि आपके बच्चे को बुखार है, तो बुखार को कम करने के लिए इन सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह सिर दर्द में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपके बच्चे को दर्द या सूजन की समस्या है, तो इन सिरप का इस्तेमाल दर्द और सूजन से राहत दिलाने के लिए भी किया जा सकता है। इन सिरप का इस्तेमाल माइल्ड से लेकर मॉडरेट पेन, स्वेलिंग और फीवर के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन सिरप में मौजूद कंटेंट की बात करें, तो यह कैसे काम करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे काम करता है। पैरासीटामोल एक प्रकार की दवा है जो आपको बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कम करने और दर्द को दूर करने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दवा है, जिसका मतलब होता है कि दर्द को कम करने और बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके उपयोग से सामान्य बुखार, सिर दर्द, दांत दर्द आदि समस्याओं को कम किया जा सकता है। और आइबुप्रोफेन की बात करें, आइबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, जो दर्द, सूजन और बुखार को कम करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन काम करते हैं। इन सिरप की डोजेस की बात करें, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के बताए गए अनुसार एक निश्चित समय पर दवा को पिलाएं। डोज मिस हो जाने पर डबल डोज ना दें, दूसरे डोज के समय का इंतजार करें। इन सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें, तो इनमें से कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट में दर्द, दस्त, ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।